नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र 3 की लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरा दूसरा वीडियो है और इसके अंदर मैं दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से निकला है जिसका अभिप्राय होता है सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? इसका मतलब है किसने ये बात नहीं मानी कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है? दोस्तों, आपको पता है पीटर लासलेट, डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कॉमन ये पॉलिटिकल थ्योरी की डिक्लाइन की बात करते हैं, लेकिन जीन ब्लोंडेल इनमें से नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? नेगेटिव लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फोर एसे ऑन लिबर्टी, ये इसिया बर्लिन ने लिखी है। बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन क्या है? नव उदारवादी है, और नव उदारवादी क्या है? स्वतंत्रता को ज्यादा बल देते हैं, और वो भी नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है जिसमें बंधनों का अभाव हो, कम से कम प्रतिबंध सरकार लोगों पे लगाए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है कि कौन सा इसमें से सत्य है, तीनों के तीन आपके असत्य है। सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है। सामाजिक न्याय कार्य साधन है। सामाजिक न्याय क्या है? कार्य साधक है। तो दोस्तों, इसमें से सत्य कौन सा है? सामाजिक न्याय, सॉरी, ये इसमें है बी, सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था? दोस्तों, ये चारों के चारों जो ये तीनों के तीनों यहाँ पे दिए, ये माओ ने जन आंदोलन शुरू किया। और सबसे पहला है सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचारों और संप्रदाय को शामिल होने दो, लेट द 100 फ्लावर ब्लूम, ये सबसे पहला आंदोलन था। और इसका क्या मतलब है? माओ बोलते थे अगर देश में 100 प्रकार की संस्कृतियां हैं, 100 प्रकार के धर्म हैं, तो सभी को पनपने दो, ठीक है, किसी को भी दबाना यहाँ पे उचित नहीं है, 100 प्रकार के विचारों को खिलने दो, ठीक है। तो ये सबसे पहला था। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें चाइना की उन्होंने एकदम से उन्नति करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, तरक्की के लिए सांस्कृतिक क्रांति, ये इसी का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 6, लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, क्वेश्चन लेनिनिज्म की नंबर खोज की थी स्टालिन ने। आपको पता है लेनिन के बाद स्टालिन सॉरी अगले काफी स्लो हो गया। रूस क्वेश्चन के जो नंबर अध्यक्ष बने छः थे, तो लेनिनिज्म की खोज की थी स्टालिन ने। इन्होंने बुक लिखी है, ये द गुड व्हाट बॉटमैन नामक इस पुस्तक के कोई लेखक नो कौन है? ये है राजमोहन गांधी। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है। दोस्तों, ये नीति शास्त्र की पुस्तक नहीं है, ठीक है। नीति शास्त्र में जिसमें लॉ की बात की जाती है, कानून की, तो प्लेटो की अगर यहाँ पे द लॉज दी होती तो वो नीति शास्त्र की पुस्तक होनी थी, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। यह राजनीति की पुस्तक है, बिल्कुल ये राजनीति की पुस्तक है। यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, बिल्कुल सही बात। इसमें कहीं ना कहीं नीति यानी कि कानून और राजनीति दोनों की बात की गई है, ये सिर्फ नीति शास्त्र की पुस्तक नहीं है। तो 8 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री एम एन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा लिखी गई है। गांधीजम नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म भी एम एन रॉय ने लिखी है। न्यू ह्यूमनिज्म आपको पता है सबसे एंड में इन्होंने लिखी है। नेशनलिज्म रैशनलिटी और रेवोल्यूशन इन्होंने नहीं लिखी है। आपको कमेंट में मुझे बताना है कि ये पुस्तक किसकी है।
निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की? दोस्तों ये मैकियावली ने की थी धन की तुलना एक महिला से। किसी ने मुझे कमेंट में भी ये पूछा था कि ये मैकियावली ने महिला की तुलना धन से क्यों की। दोस्तों आपको पता होगा मैकियावली ने क्या है, महिला और जो आपकी संपत्ति है उसकी रक्षा की बात की थी, क्योंकि मैकियावली का मानना है कि महिलाएं संपत्ति का एक भाग थी और संपत्ति अर्जन का भी एक भाग थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राजा किसी दूसरे देश की राजकुमारी से विवाह संबंध बनाता है तो उससे क्या होता है, वो उसके मतलब नए नए मित्र बनते हैं, ठीक है। नए मित्र बनेंगे तो कहीं ना कहीं उसे मतलब टेरिटरी में भी बेनिफिट हो सकता है और बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षा हो सकती है, इसलिए इन्होंने क्या है धन से तुलना की है महिला की। निम्नलिखित में से कौन सा एलिनेशन से संबंधित नहीं है? एलिनेशन का मतलब है अलगाववाद। अलगाववाद मतलब कि आखिर इंसान क्यों किसी चीज से ऊब जाता है और उसको छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज गाड़ी लेने की बहुत ज्यादा इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं है, मुझे गाड़ी लेने की बहुत ज्यादा इच्छा है, लेकिन 8-10 साल बाद एलिनेट हो जाऊंगा, मुझसे एलिनेशन हो जाएगा, मुझे लगाव नहीं रहा, चलो छोड़ो मुझसे नहीं होगी गाड़ी, मैं नहीं ले पाऊंगा गाड़ी, तो उससे क्या हो जाएगा एलिनेशन। तो ये है पेरिस पांडुलिपिया, बिल्कुल इसमें एलिनेशन की बात की गई है मार्क्स के द्वारा। उसके बाद है फ्यूरबाख फरशोध प्रबंध, ये इसके ऊपर भी है, और उसके बाद है जर्मन आइडियोलॉजी, इसके ऊपर भी है, लेकिन पावर्टी और फिलोसफी ये प्रूदों की आलोचना में इन्होंने लिखी है, इसमें एलिनेशन की बात मार्क्स नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य इच्छा से अभिप्राय है सो सिंपल, जनरल विल का मतलब होता है रियल विल, ठीक है, जनरल विल का मतलब होता है रियल विल। 12 का देख लेते, रियल ही बोलते हैं कि यस, जनरल विल को इंग्लिश में रियल विल बोलते हैं, इसमें एक्चुअल और रियल में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, ठीक है। जनरल विल का मतलब होता है वास्तविक इच्छा। सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी, सामाजिक जो संविदा है उससे संप्रभु सरकार किसने स्थापित की थी? जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक ने, मेनली जॉन रॉल्स ने की थी, उसके बाद रॉबर्ट नोजिक ने भी कुछ इसी टाइप का किया था। तो जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक दोनों सामाजिक संविदा सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने में पूर्ण बाध्यता है, बिल्कुल गलत। जॉन रॉल्स या रॉबर्ट नोजिक कहीं भी बाध्यता की बात नहीं करते हैं। अगर तो आप रॉबर्ट नोजिक के बारे में लो तो पूर्ण बाध्यता वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो न्यू लिबरलिस्ट है, नव उदारवादी है, नव उदारवादी तो स्वतंत्रता की बात करते हैं, और आपको पता होगा जॉन रॉस उदारवादी है, तो उदारवादी और नव उदारवादी कभी भी पूर्ण बाध्यता की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब सी बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ए सत्य लेकिन आर असत्य है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और ये अरस्तु और प्लेटो ने जो शासन का वर्गीकरण किया था उससे रिलेटेड है, और इसमें मैंने जो नोट्स बनाया है उसमें भी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। शुद्ध रूप, शासन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? राजतंत्र। राजतंत्र जिसमें लोगों की भलाई के लिए एक व्यक्ति काम करता है, ठीक है। अगर इसका अपभ्रष्ट रूप कौन सा होता है राजतंत्र का? अगर राजा अपने हित में काम करता है, जनता के हित में काम नहीं करता है, तो उसे बोला जाता है अत्याचार तंत्र, ठीक है, टिरिनी। उसके बाद कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र में क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं, मतलब कुलीन तंत्र में क्या होता है, ओलिगार्की, ओलिगार्की में कुछ लोग शासन करते हैं लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। और अगर वही लोग अपनी भलाई के लिए काम करें तो उसको बोला जाता है अल्पतंत्र। राजव्यवस्था जिसको पॉलिटी बोला है और आदर्श रूप माना है अरस्तु ने, राजव्यवस्था बदल जाती है लोकतंत्र में, और आदर्श जो राज्य है आदर्श राज्य बदल जाता है सम्मान तंत्र या प्रथम अवस्था के अंदर, सम्मान तंत्र या प्रथम अवस्था के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये कुछ लेखक दिए हैं और उनकी पुस्तकें दी है, और दोस्तों ये सारी की सारी पुस्तकें गांधी के ऊपर है, महात्मा गांधी के ऊपर। सबसे पहले जे एटोन गांधी विदाउट फाइटर
विदाउट अ सॉर्ड, फाइटर विदाउट अ सॉर्ड, ये लिखी है जे एटोन ने, इसने लिखी है जे एटोन ने, गांधी फाइटर विदाउट अ सॉर्ड। उसके बाद लुइस फिशर ने लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर ने लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और उसके बाद एच इकरसन ने गांधीज ट्रुथ, एच इकरसन ने लिखी है गांधीज ट्रुथ। और लास्ट हमारी बची रिचर्ड एटनबरो ने लिखी है इन सर्च ऑफ गांधी। तो इसका सही कालक्रम, इसका सही मैच होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पद्धति सिद्धांतवादी है, और मतलब जिन्होंने ये मेथडोलॉजी यूज़ की है, थ्योरी जिन्होंने बनाई है और उसके बाद उनकी मेथडोलॉजी, ठीक है। बर्टन बर्टल नफाई, दोस्तों आपको पता है बर्टल नफाई सिस्टम अप्रोच के जन्मदाता माने जाते हैं, और सिस्टम अप्रोच इन्होंने बायोलॉजी में यूज़ की थी, ठीक है। और ये चारों के चारों जो यहाँ पे कूट दिए हैं, ये चारों के चारों कूट सिस्टम अप्रोच से ही रिलेटेड है, ठीक है। आपने ये नहीं भूलना है, ये सिर्फ सिस्टम अप्रोच है। तो बर्टल नफाई क्या बोलते थे, अंतर क्रिया में आने वाले तत्वों का समूह। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, मैं इसको आप में आपको बाद में अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हॉल एंड फैजन, हॉल एंड फैजन बोलते हैं अंतर क्रिया का समूह। दोस्तों एक 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 शब्द और एक बिंदु का भी यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, अंतर क्रिया अंतर क्रिया, ठीक है। तो ये आपको वैसे याद रखने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। ईस्टन, डेविड ईस्टन का तो आपको पता ही होगा, डेविड ईस्टन क्या बोलते हैं कि एक पूर्ण जो अनेक संयोजन से बनता है, मतलब एक जो सिस्टम होता है वो बहुत सारे सब सिस्टम से बनता है, तो ये डेविड ईस्टन का है, तो सिंपल आपने पहले भी पढ़ा होगा। उसके बाद कॉलनचेरी, कॉलनचेरी बोलते हैं वस्तुओं का एक समूह तथा वस्तुओं और उनके गुणों के बीच का संबंध, ये सारा का सारा सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था का फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया, यहाँ देखो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का फ्लो मॉडल, और ये देखो कितना घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं, इसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं। आपने इनपुट आउटपुट मॉडल तो पढ़ा है लेकिन फ्लो मॉडल नहीं पढ़ा है। फ्लो का मतलब क्या है, पहले इनपुट जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा, फिर फीडबैक आएगी, एक फ्लो में चलता रहेगा। तो ये मॉडल दिया है डेविड ईस्टन ने, डेविड ईस्टन ने दिया है इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसे फ्लो मॉडल भी बोला जाता है। आमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है, तो ये ली है टेलकॉट पार्सन्स से, टेलकॉट पार्सन्स आपके सोशियोलॉजी में सिस्टम अप्रोच से जुड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन बैलेंस को अधिक महत्व दिया, तो ये दिया है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं कि आखिर ये इन्होंने समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को क्यों महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से जुड़े हैं, विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत के साथ जुड़े हैं, हरलपन हरलपर्न हरलपर्न। निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा, तो दोस्तों इसके ऊपर ये एसपी हडिंगटन है और इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है 1996 के अंदर। इन्होंने क्या है, संस्कृतियों को क्या माना है, संस्कृतियों को इन्होंने सभ्यताओं के साथ जोड़ा है, ठीक है। हम संविधान के अधीन है पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो, यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू होता है, दोस्तों ये जो भगवती थे, भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ये अमेरिका के ऊपर भी लागू होता है, और ये हम संविधान के अधीन है और संविधान हुआ है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो, इसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू किन देशों में है, इसका सीधा सा मतलब है जुडिशियल रिव्यू
ये आपका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। इसका करेक्ट आंसर है एक और दो। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को तीन सिद्धांतों के साथ जोड़ा? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत। मतलब कि कौन वो व्यक्ति है जिसने बोला कि राजनीतिक दलों का उद्भव क्यों होता है? या तो संस्थागत सिद्धांत की वजह से, या ऐतिहासिक संकट, कोई इतिहास में कोई ऐसा संकट आया था जिससे उभरने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी सामने आई। फॉर एग्जाम्पल नाजी। नाजी क्यों आई? क्योंकि ऐतिहासिक संकट था, वहां पे बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, बहुत ज्यादा संधियां थोपी गई थी, इसलिए नाजी पार्टी उत्पन्न हुई। उसके बाद, और विकास का सिद्धांत सिंपल है, विकास के द्वारा भी पार्टियां आती है। तो ये सिद्धांत दिया था ला पालंबरा और मायरन वीनर ने। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई यहां पे करने हैं, ठीक है। स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे, यहीं पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। तो ये जो स्विस संघीय अधिकरण हो वो सभी कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। तो पहला ही यहाँ पे गलत है, सत्य नहीं है, आपने वो देखने हैं। उसके बाद यूएस में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है। यूएस में, बिल्कुल सही बात है, यूएस में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है और ये कोल्ड वॉर के टाइम से ही हुई थी। भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। बिल्कुल गलत, ये बाद में जोड़ी गई है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। आपको मुझे बताना है कि कौन सी अमेंडमेंट थी, ये 7th अमेंडमेंट थी या कोई और, ठीक है। आपने मुझे कमेंट में ये बता देना है किस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्य कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3, मतलब इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में ये किसका कथन है? और ये भी आपको रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। ये विंस्टन चर्चिल है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आप देख रहे हैं 26 क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट। अगर नेता आपको मेरी जब वीडियो एक पसंद आए बार तो प्लीज शक्ति इसे की लाइक करें, पराकाष्ठा दोस्तों पर के साथ पहुंच शेयर जाते करें। हैं तो और उन्हें अगर कोई आप चीज इस चैनल चीज पे नए नहीं हैं है तो तो इस इस चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। करें। एलीट थ्योरी से क्वेश्चन नंबर संबंधित ट्वेंटी है सिक्स और में ये नेता पैरेटो, जब एक जो बार पैरेटो शक्ति एलीट की थ्योरी के पराकाष्ठा पर चिंतक पहुंच है जाते उन्होंने ये हैं बात तो बोली है, उन्हें कोई बिल्कुल चीज सही सही बात बात है। नहीं गिरा सकती। बिल्कुल माइकल एलीट के थ्योरी से अनुसार संबंधित है। अधिकतर मनुष्य माइकल, उदासीन दोस्तों यहाँ पे असंवैधानिक माइकल दिया और है लेकिन चापलूस ये होते रॉबर्ट हैं। मिशल है बिल्कुल, जिन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दी है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। और बिल्कुल ये यहाँ पे माइकल या मिशेल्स की ही ये यहाँ पे कोटेशन है। और ये बिल्कुल यहाँ पे माइकल के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। क्योंकि अधिकतर व्यक्ति क्या होते हैं? उदासीन। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, अकर्मण्य, उनको काम करने की इच्छा नहीं होती और ज्यादातर चापलूस होते हैं। इसलिए एक बार जब नेता ना शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं ना, तो उन्हें नीचे गिराना मुश्किल हो जाता है इन्हीं मनुष्यों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मेल नहीं है वो आपने बताना है। पैरेटो, अभिजन का, संचार। और देखो कितना कंफ्यूज करने, ये संचार नहीं है, यहाँ पे सीबीएसई ने संचार दिया, ये संचरण है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है लेकिन यहाँ पे संचार से आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसको गलत कर दोगे। तो ये सीबीएसई की बहुत यहाँ पे गलतियां रहती है सीबीएसई के अंदर भी। उसके बाद मॉस्का, मॉस्का ने दिया है मास माइंड ना कि मास थ्योरी। मॉस्का ने दिया है मास माइंड, यहाँ पे दिया है मास थ्योरी, तो इसका मतलब दो गलत है। माइकल, माइकल 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 यहाँ पे मिशेल, ये रॉबर्ट मिशेल है, पता नहीं क्यों माइकल यहाँ पे लिखा जा रहा है इसको बार बार। जनधारणा, बिल्कुल इन्होंने जनधारणा दी है। गैसेट राजनीतिक फॉर्मूला नहीं, गैसेट ने भी मासिस के ऊपर काम किया है। तो यहाँ पे 2 और 4 गलत है, 2 और 4 मतलब
ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारत में तो नहीं है, यहाँ पे भारत दिया है, यहाँ पे भारत दिया है, तो इन दोनों में से तो नहीं है। यूके में आपको पता है, यूके में भी एकहरी नागरिकता है क्योंकि वहां पे यूनिटरी सिस्टम अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्विट्जरलैंड और यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन असत्य है, जो गलत है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, संदेश नहीं भेजते रहते हैं, हालांकि वो उन्हें बुला सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन संदेश नहीं भेजते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल गलत, 2/3 का मतलब है 66%, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1/3, मतलब 33% लोग क्या होते हैं, सेवानिवृत्त। तो ये यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल गलत। आगे आगे देखते हैं, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30, अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ, एलीट थ्योरी कहाँ से उत्पन्न हुई। तो ये हुई थी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपियन देशों में, और वो भी लोकतंत्र के क्रिटिक और समाजवाद के क्रिटिक को लेके। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है। दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 के अंदर हुई थी, उनका मुख्य नारा क्या था, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ठीक है। ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है। सो सिंपल, निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य, और निर्वाचक कॉलेज आपको पता है ये विधानसभाओं, जितनी भी हमारी विधानसभाएं और संसद से बनकर मिलता है, और उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है, मूल संविधान का अंश नहीं है वो आपको बताना है। मूल संविधान में अनुच्छेद 14 था, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 52A भी था, जो कि आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, लेकिन 51A जोड़ा गया है 1976 के अंदर, और ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था 44th अमेंडमेंट, और इसको लीगल राइट बनाया गया था। तो यहाँ पे 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों में किसने भारतीय डाक संशोधन बिल को लंबित रखा था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था भारतीय डाक संशोधन बिल के ऊपर। तो ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, जो कि 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है, और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का अर्थ है फासिज्म में फलीभूत होना, जो कि आज के पीरियड के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों, अल्पसंख्यक क्या है, जम्मू कश्मीर में जो क्या चाह रहे हैं कि पृथकता हो जाए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता क्या होती है, ये फासिज्म की बात कर रहा है, जैसा कि आज के टाइम में आरएसएस बात कर रहा है। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, बहुसंख्या में है ना, तो फासिज्म अपनी ही चला रहे हैं। कभी उन्होंने गो रक्षा के नाम पे चला दिया, कभी उन्होंने लव जिहाद के नाम पे चला दिया, कभी उन्होंने ये रोमियो एंटी रोमियो स्काउट स्काउट खड़ा कर दिया, कभी गाय के नाम पे लोगों को काट रहे। तो ये क्या है, फासिज्म की स्थिति बहुसंख्यक सांप्रदायिकता निभा रही है, और अल्पसंख्यक आपको पता है पृथकता, जो कि J&K में है, सिंपल है। तो ये बात की थी विपिन चंद्र ने, और बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है आज के टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट पुस्तक लिखी है अतुल कोहली ने, अतुल कोहली। भारत में विपणन राजतंत्र में, विपणन विपणन क्या होता है, मार्केटिंग मार्केटिंग जो पॉलिटी के उभार पर किसने बल दिया, भारत में मार्केटिंग पॉलिटी के
उभार पर किसने बल दिया? दोस्तों ये बल दिया था मॉरिस जॉन्स ने, मॉरिस जॉनस दिया है यहां पे, लेकिन ये जॉन्स है। भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है, ये माना है रजनी कोठारी ने, रजनी कोठारी ने। राष्ट्रीय अभिजन और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता, यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों अतुल कोहली का, अतुल कोहली। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और ये पुस्तक और उनके लेखक है, और इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी ये बुक है जो कि मतलब पार्टी पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सबको पता होगा, पॉल रास ने लिखी है। उसके बाद है पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन, पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन लिखी है मायरन वीनर ने। और उसके बाद है द पैन फील्ड ट्रांजिशन बारगोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया, बारगोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया लिखी है अचिन वनाइक ने। इंडिया इन ट्रांजिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी लिखी है जगदीश भगवती ने। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित समितियों के गठन का सही कालक्रम आपने पहचानना है, और ये क्वेश्चन दो बार, तीसरी बार रिपीट हुआ है। बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले बनी है 1957 में, एल एम सिंघवी बनी है 1986 में, जी वी के राव 1985 में, अशोक मेहता 1977 में, 78 में रिपोर्ट सौंपी थी। तो 41 का यहाँ पे जो सही कालक्रम बन रहा है वो है 1, 1, 4, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है परंतु उनकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है। बिल्कुल सही बात है, भले ही आज राजनीतिक दल पूरे इंडिया में अपनी पहुंच बढ़ा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वैधता की को मतलब उनकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास आज लोग नहीं करते हैं। लोग सोचते कि बस ये तो वोट मांगने आ जाते हैं। यहाँ पे राजकीय स्तर पर दल या पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है कि राजकीय स्तर पर कभी भी राष्ट्रीय स्तर के जो राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है, लोकल लेवल को कभी भी नेशनल लेवल पर संकलित नहीं किया जा सकता, ये दोनों से ही है। लेकिन ये यहाँ पे अगर इसके क्षति की यहाँ पे ये चर्चा यहाँ पे होती तो ये ए और आर दोनों सही होने थे, और इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करता है? तो यह है आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ए। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? डायरेक्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 45, ये कुछ पुस्तकें दी है और मुझे लगता है कि इस ईयर में बहुत ज़्यादा टफ किताबें पूछी गई थी, तो देखते हैं इसको। सबसे पहली है द दलित बिजनेस, द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, ये लिखी है वी वेंकट सेन ने, वी वेंकट सॉरी वी वेंकट सेन ने नहीं लिखी है ये लिखी है गैल ओम्वेट ने, गैल ओम्वेट। उसके बाद है पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया, पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया लिखी है डी ए धनागरे ने, फॉर आइडेंटिटीज जेंडर कम्युनिटीज एंड द स्टेट, ये एडिटेड है किसके द्वारा, किसने एडिट की है, ये की है एडिट जोया हसन ने। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया लिखी है वी वेंकट सेन ने, उसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46, विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें सिविल सेवा किस टाइप की है वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इसे परिवर्तन परिवर्तन के लिए बिल्कुल हम सिविल सेवा को यूज कर सकते हैं। सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए, बिल्कुल सामाजिक जो इक्विटी है उसके लिए हमें सिविल सेवा का प्रयोग करना चाहिए, तो ये दोनों यहाँ पे सही है। निहित स्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए। अब देखो स्वार्थों के लिए बहुत ही नेगेटिव टर्म है ना कि अपने स्वार्थ के लिए हम सिविल सर्विस को यूज करें, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। सी यहाँ पे गलत है। डी इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, बिल्कुल हमारी जो ब्यूरोक्रेसी हो बिल्कुल राजनीतिक रूप से तटस्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है सी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान देने का विस्तार। और ये दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के ऊपर भी मेरी वीडियो है, तो ये है ध्यान देने का विस्तार की बात की है वी ए ग्रेक्यूनास ने। और अगर आप इसको मतलब 2 या 3 बार देखोगे, रट्टा इसमें अगर मारोगे वैसे भी आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। श्रेणी विस्तार की बात की है मूनी और रेले ने, ये 3री बार रिपीट हुआ है। मानवीय संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन स्कूल एल्टन मेयो। और प्रक्रियात्मक फॉरमैनशिप प्रक्रिया आप सभी को पता है, फॉरमैनशिप की बात की है FW टेलर ने। तो 47 का करेक्ट आंसर यहां पे है बी। क्वेश्चन नंबर 48, विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। विलोबी विलोबी 1927 के अंदर इनकी बुक आई है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने सामान्य उपला ऊपरला जो प्रशासन होता है, सामान्य ऊपरला जो प्रशासन है उसकी बिल्कुल बात की है। इन्होंने वित्त की भी बात की है, अगर प्रशासन चलाना है तो वित्त भी आपके पास होना चाहिए और व्यक्तिगत प्रशासन या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसमें समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात नहीं की है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। आदेश का एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा, तो ये जवाबदेयता को सुनिश्चित करेगा। आदेश की एकता का मतलब है कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक जो कर्मचारी है उसको कमांड सिर्फ एक ही जगह से आनी चाहिए, उसके बॉस से ही उसको कमांड आनी चाहिए। अगर उसको कमांड दो बॉस से आती है, एक लेफ्ट से एक राइट से, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी जवाबदेहता पे मतलब संकट आ जाएगा। वो क्या बोलने लगेगा, नहीं मुझे तो बी ने वो काम दिया था इसलिए मैंने बी का काम पहले किया। और बी के पास ए के पास क्या बोलेगा, बी के पास बोलेगा मुझे ए ने काम दिया था मैंने ए का, वो जवाबदेहता उसकी यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये जवाबदेहता सुनिश्चित करती है आदेश की एकता। क्वेश्चन नंबर 50, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। 3 है लेकिन एक नहीं है, समय तथा गति अध्ययन, ठीक है। स्पीड एंड टाइम का इन्होंने अध्ययन किया था, बिल्कुल सही है। विभेदक उजरती दर व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पीस रेट सिस्टम के ऊपर अपनी बुक भी लिखी है 1895 में। प्रकार्यात्मक फॉरमैनशिप, अब ये देखो इसी क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है, ऊपर आपने देखा था निर्णय लेने में भागीदारी की इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की है, पार्टिसिपेशन की ये बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे फ्योल भी होते तो फ्योल ने भी निर्णय लेने में भागीदारी की बात नहीं की है, क्योंकि ये क्लासिकल थिंकर है और ये मैकेनिस्टिक थिंकिंग है। वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया, मतलब ये विकासशील देशों के लिए नहीं है, विकासशील देशों में इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये FW रिक्स ने। अब FW रिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच दी है आमंड की, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और डेविड इस्टन की सिस्टम अप्रोच, और यहाँ पे वेबर की ब्यूरोक्रेसी के आदर्श प्रकार की जो नौकरशाही है उसके विखंडन में या उसको नकारने के लिए, ठीक है। भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है वैधानिक नियंत्रण रखने के लिए। आपको पता है भारतीय संसद सबसे बड़ी विधायी
विधायी संस्था है जिसके अंदर कानून बनाए जाते हैं, तो ये वैधानिक नियंत्रण बनाने के लिए आश्वासन समिति का गठन किया जाता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट होता है तो वह होता है व्यक्तिगत रूप से संगत। व्यक्तिगत रूप से वो क्या होता है? संगत। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग। लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड क्या होता है? जो लाइन एंड स्टाफ जो मिलिट्री से लिया गया है उसका मापदंड क्या है, तार्किक मापदंड क्या है वो आपको बताना है। तो उसका अधिकार संबंध, जो लाइन और स्टाफ में अधिकार संबंध बनते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लाइन क्या होता है? लाइन होता है एग्जीक्यूटिव, जो आदेश को लागू करता है। स्टाफ क्या करता है? इसकी मदद करता है। तो यहाँ पे अधिकार क्षेत्र दिख रहे हैं ना, अधिकार संबंध इनके दिख रहे हैं ना। स्टाफ को क्या अधिकार है कि वो लाइन को आदेश दे या लाइन के लिए कुछ गाइडलाइंस दे, और लाइन क्या है? लाइन इसको फॉलो कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार संबंध की यहाँ पे लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पे बना? दोस्तों ये संथानम कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे बना है, तो ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया है, आई डोंट नो। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया, क्योंकि क्योंकि क्या हुआ था आप लोगों को पता है, 1968 के अंदर चतुर्थ लोकसभा की समाप्ति से पहले वो भंग हो गई थी। ठीक है, जो चौथी लोकसभा थी वो टाइम से पहले ही भंग कर दी गई थी, और ये इसका कारण क्या था? इसका कारण था कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी। ठीक है, इंदिरा और कामराज के बीच कुछ कन्फ्लिक्ट चला था, उससे रिलेटेड, उसकी वजह से ये क्या हो गया था? भंग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा? बहुत ही सिंपल है, सामूहिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में चलाई गई थी, लोक उत्साह को जगाने में असफल रही, ये बात की थी बलवंत राय मेहता ने, और इन्होंने तभी ये सिफारिश की थी कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, सी राजगोपालचारी द्वारा एक अच्छे प्रशासक के 6 मूलभूत अपेक्षाओं की सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं किया गया है? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम देखते तो बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर सोचने लगते हैं, तुक्का लगाता हूँ, ए बी सी सी सी, फिर सी लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं, चलो बी 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 ही लगाते हैं। लेकिन कम से कम अपना दिमाग तो लगाओ, कम से कम ऑप्शन को तो पढ़ लो, इसमें से एक ऑप्शन हो सकता है ऐसा हो कि इन तीन के साथ मैच नहीं कर रहा हो, तो ये फॉर्मूला बहुत बेस्ट है, आप पहले पढ़ लो एक बार, ऐसे नहीं कि सीधा बी सी। ठीक है, वो बिल्कुल गलत मेथड है, यहाँ पे आचार आचार हो सकता है। ठीक है, मामलों को आंकने का सामर्थ्य ये भी हो सकता है, तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता, निर्णय लेने में स्थिरता, निर्णय लेने में स्थिरता, ये तीन ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकी जो टेक्निकल मामलों में विशेषज्ञता ये बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है, टेक्निकल की बात कर रहा है, तो ये ही यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बाकी तीन तो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर भी है सी। क्वेश्चन नंबर 59, रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों संथानम कमेटी 20 बार से भी ज्यादा यहाँ पे पूछी जा चुकी है, तो ये 1962 में की गई थी और 1963-64 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अधोलिखित असर्शन और रीजन के ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। आदेश की इकाई का व्यवहारिक प्रयोग सदैव संभव नहीं होता है, बिल्कुल आदेश की एकता जो होती है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, वो हमेशा संभव नहीं होता है। क्यों? तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप का सुपरविजन की जरूरत होती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो मैनेजर ने आपको आदेश दिया वो संभव ही होगा या उसके द्वारा संभावित लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तो ये बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 61, नव यथार्थवाद क्या है, नियो रियलिज्म क्या है?
इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोला जाता है, आपने इसको याद रखना है। और स्ट्रक्चरल रियलिज्म होता है यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पूर्व कथन का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 62, और ये लेखक और उनकी पुस्तकें दी है वो आपको मैच करनी है, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी सारी की सारी पुस्तकें हैं। हेडले बुल सो सिंपल अनार्किकल सोसाइटी इन्होंने लिखी है। उसके बाद है नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने 1992 के अंदर फेल्ड स्टेट लिखे हैं, और अनार्किकल जो सोसाइटी है ये 1977 के अंदर लिखी है हेडले बुल ने, 1977, और फेल्ड सिस्टम लिखी है 1992 के अंदर नॉम चॉम्स्की ने। रॉबर्ट कैपलान ने लिखी है मानसून 2010 के अंदर, और कैनेथ बॉर्डिंग ने लिखी है कन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस। कन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस, और ये लिखी है इन्होंने 1962 के अंदर, 1962 के अंदर। तो इसका करेक्ट मैच है 3-2-1, 3-2-4, सॉरी 3-1-4-2। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतवादियों को क्रमानुसार आपने लिखना है कि कौन सा सिद्धांतकार पहले आया और कौन सा उसके बाद आया। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सो सिंपल इमैनुअल कांट, आपको पता है इनका जन्म 1724 में हुआ था और 1804 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इमैनुअल कांट पहले होने चाहिए। दो पहला ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हमारा एक से ही आ गया है। ठीक है, उसके बाद एंटोनियो ग्रामशी, जो कि 1891 में इनका जन्म हुआ है और 1937 में इनकी मृत्यु हुई है जेल से छूटने के बाद। ठीक है, और उसके बाद आए हैं रोनाल्ड नेबूर। ये जो रिनाल्ड निबूर है ये रियलिस्ट थिंकर है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आया है रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 64, आर एम ए से क्या अभिप्राय है। आर एम ए से क्या अभिप्राय है, तो आर एम ए का मतलब होता है रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर। रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर। रेजन डी इटेट से क्या अभिप्राय है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में रेजन डी इटेट दिया है, रेजन डी इटेट। अगर आपको ये पता नहीं है हो सकता है आप आर एम ए का यही लगा दो, लेकिन आपको इस टर्म का भी पता होना चाहिए। रेजन डी इटेट का मतलब होता है राष्ट्रीय हित। जो हमारा राष्ट्रीय हित है उसको आई थिंक फ्रेंच में बोला जाता है रेजन डी इटेट। सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों है। स्थायी सदस्यता के विस्तारण के कारण निर्णय लेने में कमी होना, बिल्कुल सही। कोई भी वर्तमान स्थायी सदस्य अपने पद को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। किसी भी संभाव्य नए स्थायी सदस्यों के लिए अविवादास्पद केस बनाना मुश्किल है। तो ये सारे के सारे क्या है, सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समस्याएं बने हुए हैं। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की क्या उपेक्षा होती है। दोस्तों इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे। ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैप, सैप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। दोस्तों जब भी कोई देश वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन लेता है तो वो एक कंडीशन हमारे सामने रखता है जिसे बोला जाता है सैप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा कुछ शर्तें रखता है वर्ल्ड बैंक कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, उधार बनानी पड़ेगी, आपको टैक्सेस में कमी करनी पड़ेगी, आपको सब्सिडी नहीं देनी है अपने नागरिकों को, देश के नागरिकों को। ये भी उसके अंदर उन्होंने एक टर्म रखी होती है ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मतलब इकोनॉमिकल डिप्रेशन ना आए। तो ये है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या उम्मीदें रखता है देशों से, ठीक है, उम्मीदें क्या रखता है। गरीब देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाना चाहिए, बिल्कुल रखता है ये। मतलब सबसे पहला ही यहाँ पे ऑप्शन है ये रखता है। गरीब देशों की सरकारों को क्या बोलता है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी। इसीलिए तो इंडिया ने एलपीजी अपनाया था 1991 में। क्या कारण था एलपीजी अपनाने का, यही कारण था कि इंडिया में क्या है इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसी स्थिति बन रही थी और इंडिया ऋण के दबाव में आ रहा था और वहाँ इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खतरे में थी, इसलिए एलपीजी अपनाया था। निजीकरण, उदारवादी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68,
वर्ष 1955 में आयोजित बैंडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो दोस्तों इसमें थे 29 अफ्रीकी और एशियाई देश, ठीक है, इसमें अफ्रीका के भी और एशिया के दोनों 29 देश थे। अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इससे बचना होगा। युद्ध से कैसे बचा जाए, तो ये बात की है बर्नार्ड ब्रॉडी। निम्नलिखित संधियों को कालक्रम में आपने करना है कि कौन सी संधि कब हुई। भारत यूएस परमाणु संधि हुई है 2006 के अंदर, भारत सोवियत मित्रता संधि 1971 के अंदर, ताशकंद समझौता हुआ है 1965 के अंदर, शिमला समझौता 1972 के अंदर। तो 70 का यहां पे जो सही क्रम बन रहा है ए यहां पे करेक्ट आंसर बन रहा है। और ये जो आपकी ताशकंद समझौता हुआ है, ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद 1966 के अंदर हुआ है ताशकंद समझौता। सॉर्ट का विस्तृत रूप बताएं, SORT का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। दोस्तों जो सॉर्ट हुआ है ये 24 मई 2002 को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच हुई है ये संधि सॉर्ट, ठीक है सॉर्ट। ये यूएसएसआर, पूर्व यूएसएसआर, रूस और अमेरिका के बीच हुई थी ये ट्रीटी 2002 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? जो इसमें सत्य है वो आपको यहां पे बताना है, ठीक है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल गलत, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए 1968 के अंदर। चीन ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, चीन ने क्या है एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। चीन ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, पाकिस्तान ने नहीं किए। भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, क्योंकि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए तो उत्तर पाकिस्तान ब्लेम करने लगा, जब हमारा दुश्मन नहीं करता तो हम क्यों करें, ठीक है। एनपीटी पर ईरान नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल इन्होंने किए हैं। आई थिंक अभी नॉर्थ कोरिया इससे बाहर निकल गया है, तो इसका सही आंसर है 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है? जो सही है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। भारत रीजनल कॉपरेशन के लिए इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का सदस्य है, बिल्कुल सही बात है, भारत इंडियन ओशन ड्रीम का सदस्य है, ठीक है सदस्य है। उसके बाद IOR ARC पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है, पाकिस्तान के साथ डाउट हो रहा है मुझे। यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, बिल्कुल सही बात, ये विशेष आर्थिक क्षेत्रों को ही परिभाषित करता है जो आपके ओशन ड्रीम के अंडर आते हैं, ठीक है। ओशन जो आपके साउथ ईस्टर्न कंट्री है, आपकी पूर्वी कंट्री है, उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन को भी ये परिभाषित करता है। हिंद महासागर में जल दस्युता नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1 और 3 यहाँ पे देख लेते, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। बुराई की धुरी एक युक्ति जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में किया था, किसको बोध कराने के लिए किया था? दोस्तों मैं कंफ्यूज हुआ था कि इविल एम्पायर रीगन ने किसे बोला है, तो उसमें मैं गलती से ईरान को बोल गया था, ठीक है। लेकिन बुराई की धुरी युक्ति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में यूज की है ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक के लिए, ठीक है। एक्सिस ऑफ इविल की बात की है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 के अंदर, और इविल एम्पायर की बात की थी रीगन ने 1980s के अंदर। मार्टिन वेट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको दार्शनिक परंपराओं का तो पता होना ही चाहिए कि दार्शनिक परंपराओं के अंदर क्या क्या आता है, तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो मार्टिन वेट ने जो दिया है वो दिया है यथार्थवाद, बुद्धिवाद,
और क्रांतिवाद पर बल दिया है। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।